नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है। नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियाँ करवानी होती है। तो साथियों, नवीन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इन निर्देशों के अकॉर्डिंग संस्था प्रधान को कौन कौन से कार्य करने हैं और शिक्षक जो प्रभारी होंगे जिनको नियुक्त किया जाना है, और शाला दर्पण पर भी नो बैग डे की एंट्री की जानी है, और तीन तरह के निर्देशिकाएं आपको मिलने वाले हैं। तो इनको लेकर पूरी जानकारी क्या है, थीम प्रभारी किसको बनाना है, समूह प्रभारी किस प्रकार तैयार करने हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को राजस्थान के प्रत्येक विद्यालयों में आयोजित करवाया जाता है, उसको लेकर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, तो देखिए यहाँ पर सत्र 2023-24 में नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल किए जाने के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ आदेश क्रमांक वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित शासकीय निर्देशों के क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा सत्र 2023-24 में नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त क्रम में नो बैग डे कार्यक्रम का शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल लाइव हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नो बैग डे कार्यक्रम के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर भी एक मॉड्यूल लाइव किया जाएगा, जहां पर आपको नो बैग डे की कार्यक्रम की एंट्रियां वहां पर करनी होगी। उसको लेकर पूरी जानकारी क्या रहेगी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाला हूँ। इसके बाद देखिए संस्था प्रदान के लिए निर्देश क्या हैं। तो देखिए नो बैग डे के दिन निदेशक का अध्ययन कर ले हुए, मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नो बैग डे के ही आपको निदेशिकाएँ मिलेगी। तीन प्रकार की निदेशिकाएँ होगी, कक्षा 1 से 5 के लिए अलग होगी, 6 से 8 के लिए अलग होगी और 9 से 12 के लिए अलग होगी। तो इस प्रकार तीन प्रकार की निदेशिकाएँ होगी, जैसा भी आपके विद्यालय का प्रकार है उस प्रकार आपको निदेशिकाएँ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए उक्त कार्यक्रम की गतिविधियाँ सिवरा पंचांग के अनुसार आयोजित की जाए। यदि पंचांग में किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख है तो उसे प्राथमिकता देते हुए संबंधित शनिवार को शामिल किया जाए। यानी कि आपको जो सिवरा पंचांग में कुछ विशेष गतिविधियां दी हुई हैं, उन विशेष गतिविधियों का आपको प्रत्येक शनिवार को यानी कि नो बैग डे के दिन उनका उल्लेख, यानी कि उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां हो आप अपने जो कार्यक्रम है उसमें शामिल आपको करना है। सिवरा पंचांग में दी गई सप्ताह विशेष के उत्सवों जयंतियों पर्वों का आयोजन उस सप्ताह के शनिवार को आयोजित नो बैग डे की गतिविधियों में समाहित किया जाए अथवा शनिवार गतिविधियों के बाद उसका आयोजन किया जाए। तो ये यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए नो बैग डे हेतु स्टाफ मीटिंग का आयोजन माह के अंतिम सप्ताह को करें, यानी कि नो बैग डे की आपको जो स्टाफ हैं उसकी माह के अंतिम सप्ताह को एक मीटिंग लेनी है, वो दे आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। इस मीटिंग में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालयों के नो बैग डे प्रभारी, देखिए यहाँ पर नो बैग डे प्रभारी आपको बनाना है, थीम प्रभारियों और समूह प्रभारियों का गठन करके जिसको प्रपत्र के रूप में नो बैग डे के रजिस्टर में संधारित आपको करना है। नो बैग डे प्रभारी थीम प्रभारियों से चर्चा उपरांत प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार मासिक कार्ययोजना प्रपत्र भव में तैयार करनी है। इसके बाद देखिए साथियों, नो बैग डे कार्यक्रम हेतु प्रभारियों की नियुक्ति, तो देखिए विद्यालयों के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, यानी कि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नो बैग डे प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर देवे, जो नो बैग डे की समस्त गतिविधियों का समन्वय करेंगे एवं गतिविधि आयोजन की समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके बाद देखिए थीम प्रभारी, तो देखिए यहाँ पर नो बैग डे के निर्देशिका के अनुसार 5 थीम है, प्रत्येक थीम है तो एक थीम प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित थीम में रुचि रखता हो या थीम के विषय का विशेषज्ञ हो। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए जो 5 थीम है जो मैं आपको हर बार जो नो बैग डे की जानकारी देता हूँ उसमें थीम भी आपको बताता हूँ कि कौन सी थीम इस शनिवार को है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियाँ करनी है, उसका मैं वीडियो डालता हूँ। और साथियों, मैंने जो 12 अगस्त को शनिवार है उसका भी वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी 12 अगस्त की जो नो बैग डे है उसकी थीम है उस थीम पर आधारित गतिविधि आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए समूह प्रभारी की नियुक्ति, तो नो बैग डे निदेशिका के अनुसार 5 समूह हैं। पहला समूह अंकुर, दूसरा प्रवेश, तीसरा दिशा और चौथा यहाँ पर क्षितिज और 5वां उन्नति। प्रत्येक समूह है तो एक समूह प्रभारी की नियुक्ति करें और एक समूह
सह प्रभारी नियुक्त करें, यानी कि समूह प्रभारी और एक समूह सह समूह प्रभारी नियुक्त आपको करना है जो संबंधित कक्षाओं के कक्षा अध्यापक होने चाहिए। यदि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है तो 9 बैक डे प्रभारी और 3 प्रभारी को समूह प्रभारी सह प्रभारी नियुक्ति नहीं करें। यानी कि आपके विद्यालय में अगर शिक्षक ज़्यादा हैं, पर्याप्त हैं, तो जो 9 बैक डे प्रभारी हैं, 3 प्रभारी हैं, उसके अलग समूह प्रभारी और सह प्रभारी आपको नियुक्त करना है। अगर विद्यालय में शिक्षक कम हैं तो 9 बैक डे प्रभारी, 3 प्रभारी को भी आप यहाँ पर समूह प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये आपके विद्यालय की जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके बाद देखिए, प्रत्येक सोमवार को आगामी शनिवार को आयोजित होने वाली 9 बैक डे की गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थियों स्टाफ को प्रार्थना सभा में अवगत करा देवे। यानी कि आपको जो शनिवार आएगा उससे पहले जो सोमवार आता है उस सोमवार को ही आपको अगले शनिवार की पूरी कार्य योजना या जो भी उसकी जानकारी है 9 बैक डे को रिलेटेड, वो सभी स्टाफ को और विद्यार्थियों को आपको प्रार्थना सभा में ही अवगत करा देना है। 9 बैक डे गतिविधियों के वार्षिक प्लान का फ्लेक्स तैयार कर विद्यालय परिसर में भी आपको चस्पा करना है। हो सके तो आपको 9 बैक डे का एक वार्षिक प्लान तैयार कर लेना है और उसका फ्लेक्स आप तैयार करके विद्यालय परिसर में कहीं भी उसको चस्पा कर दें। इसके बाद देखिए, मासिक योजना में निर्धारित कालांश समय और स्थान के अनुसार गतिविधियों का आयोजन कर समूह प्रभारी, थीम प्रभारी संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तैयार कर 9 बैक डे प्रभारी को सुपुर्द करेंगे। 9 बैक डे प्रभारी संकलित प्रतिवेदन के आधार पर गतिविधि का संख्यात्मक डाटा तैयार कर शाला दर्पण मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। यानी कि शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल जारी होगा, उस मॉड्यूल पर जो 9 बैक डे प्रभारी हैं उस संख्यात्मक डाटा को उस पर जो है अपडेट करेंगे। 9 बैक डे प्रभारी 5 पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे। प्रत्येक पोर्टफोलियो थीम आधारित होगा। समस्त प्रतिवेदनों को संबंधित थीम के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे और गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल सर्वेक्षण, पत्र, वीडियो, फोटोग्राफ्स आदि जो भी गतिविधि होने को प्रमाणित करेगी और सॉफ्ट हार्ड कॉपी सत्र पर्यंत संरक्षित और सुरक्षित रखी जाएगी। कुल मिला के आपको यहाँ पर जो 9 बैक डे की गतिविधि आप करवाते हैं उससे रिलेटेड जो भी आप जानकारी एकत्रित करते हैं उन सबको आप संरक्षित सुरक्षित रखें ताकि वह आपके कार्य में सहायक हो सके। इसके बाद देखिए, 9 बैक डे गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को 9 बैक डे प्रभारी की अनुशंसा पर 5वें शनिवार कार्यक्रम या वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सम्मानित भी करना है। इसके बाद देखिए, 9 बैक डे गतिविधियों को आयोजित करने हेतु सामान्य जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। देखिए, भारतीय संविधान उद्देशिका का वाचन प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में किया जाए। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आपको वाचन प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में करना है। 9 बैक डे निर्देशिका में दी गई गतिविधियों के QR कोड को स्कैन कर आप उसकी मदद ले सकते हैं। इस निर्देशिका में दी गई गतिविधियां मात्र आधार हैं, इसके अतिरिक्त गतिविधियों के चयन शिक्षक अपने स्वविवेक से या छात्र की अभिरुचि के अनुसार या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको जो निर्देशिकाएं 9 बैक डे की मिलेगी उसके बाहर की गतिविधियां भी आप शामिल कर सकते हैं, वो आपके स्वविवेक पर जो है डिपेंड करता है या छात्र की रुचि पर भी डिपेंड करता है या ऑनलाइन भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। यानी कि 9 बैक डे के दिन आप अन्य कोई भी गतिविधि भी करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, गतिविधियों में मान्य मूल्यों जैसे कि करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि के साथ साथ नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहिष्णुता, सदाचार, सप्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति आदि को भी विकसित किए जाने के उद्देश्य को समाहित करें। यानी कि आपको नैतिक मूल्यों को भी इसमें और मान्य मूल्य दोनों को यहाँ पर आपको लेना है। इसके बाद देखिए, गतिविधियों का आयोजन करते वक्त गतिविधि की विषय वस्तु, स्थानीय परिवेश की रीति रिवाजों, कुरीतियों को दूर करने, उत्सव, सांस्कृतिक धरोहर को समाहित करते हुए चयनित करें। इसके बाद देखिए, 9 बैक डे कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु नवीन गतिविधियों को समय, स्थान पर स्थिति के अनुसार जोड़ें। यानी कि आपको रोचक बनाना इसको है। इसके बाद देखिए, पाठ्यपुस्तकों में दी गई गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं। गतिविधि के लिए समूह को उपसमूह में लिंग या कक्षा स्तर के आधार पर नहीं बनाए ताकि विद्यार्थियों में हीन भावना न उत्पन्न हो। यानी कि आप लड़का लड़की जो भी हैं या कोई भी कक्षा स्तर का जो समूह है तो आप इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें और आराम से इनको जो है गतिविधियाँ करवाएं। इसके बाद देखिए, 9 बैक डे के दौरान निमित्त श्रेष्ठ कलाकृतियाँ, मॉडल, पोस्टर, क्राफ्ट को डिस्प्ले करने हेतु 3H कॉर्नर बनाए जाए। इसके बाद देखिए, 9 बैक डे के प्रभारियों के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। 9 बैक डे की कार्य योजना प्रपत्र के अनुसार जून माह में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाए। शनिवार को आयोजित होने वाली 9 बैक डे की गतिविधियों के बारे में उस सप्ताह के सोमवार को समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करा दे। यानी कि सोमवार को आपको पहले पूरी जानकारी दे देनी है। माह के प्रथम सोमवार को थीम प्रभारी, समूह प्रभारी द्वारा थीम आधारित गतिविधियों की कार्य योजना प्रपत्र में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाए और गतिविधियों का चयन, गतिविधि आयोजन शनिवार तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधियों का भी चयन करें। गतिविधियों के प्रकार और स्थल का निर्धारण कर लें। इसके
क्रियान्वयन में आवश्यक सामग्री एजेंसी समुदाय को चिन्हित कर लें। थीम प्रभारी और समूह प्रभारी के सहयोग से 9 बैग डे आयोजन के बाद प्रतिवेदन तैयार कर थीम वाइज पोर्टफोलियो तैयार करें, जिससे सत्रांत कार्यालय में जमा करवाएं। प्रतिवेदन में गतिविधियों के आयोजन से संबंधित सुझाव, जिससे आगामी गतिविधियों को और श्रेष्ठ बनाया जा सके। 9 बैग डे गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों स्टाफ के नाम संस्था प्रधान को देवे, ताकि उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जा सके। गतिविधियों के आयोजन के बाद फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। इस हेतु 5वें शनिवार को पूर्व आयोजित गतिविधियों का फीडबैक लिया जाए। इसके साथ ही आयोजित गतिविधियों को शिक्षण कार्य से जोड़े, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक कार्य में भी पूर्व में आयोजित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। 9 बैग डे आयोजन के बाद आयोजन की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपलोड आपको करनी है। इसके बाद देखिए, आगामी शनिवार दिनांक 12 अगस्त 2023 को सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियों का आयोजन करते हुए स्थानीय यातायात कार्यालय से समन्वय स्थापित कर एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधित यातायात नियमों के पालन की जानकारी देना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके और अन्य सड़क दुर्घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रख सके। 9 बैग डे की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 प्रकार की निर्देशिकाएं तैयार की गई है, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय तक वितरित की जा रही हैं। उक्त निर्देशिकाओं का ब्लॉक के माध्यम से 2 दिवस में विद्यालय के अनुसार उसको वितरण कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, 9 बैग डे की जो संचालन की निर्देशिकाएँ हैं 12 अगस्त 2023 से, तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले इसकी पूरी जानकारी दे चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए एक अलग निर्देशिका होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसे कि 1 से 8 हैं, तो वहाँ पर 2 निर्देशिकाएँ होगी, 1 से 5, 6 से 8। और जहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर 3 निर्देशिकाएँ 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को अपने अधीन समस्त विद्यालय तक उक्त निर्देशिका का वितरण समयबद्ध रूप से करवाते हुए विद्यालय में 9 बैग डे के संचालन निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना है। इसके बाद देखिए, 9 बैग डे को लेकर कुछ गतिविधियां शामिल की गई हैं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देखिए, संविधान के उद्देश्य का मूल कर्तव्यों का सामूहिक पठन है, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता, जो संविधान का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद एक जीवन है अनमोल, सड़क सुरक्षा हेतु सकारात्मक पहल है, तंबाकू से बचाव की मुहिम, इसमें देखिए तंबाकू रोधी मुहिम है, जिसमें जीवन में तंबाकू की नो एंट्री, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू युक्त लाल दंत मंजन के अनुसार बारे में समझ विकसित करना भी स्मार्ट पहल, यानी कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम स्मार्ट विद्यार्थी पहल है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, 5 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले 9 बैग डे के दिन पौधारोपण तथा 12 अगस्त 2023 को सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ कम से कम 2 घंटे आयोजित कर विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंध में जानकारी प्रदान की जानी है। इसी क्रम में जो 19 अगस्त हैं उसको संपूर्ण राज्य में एक साथ गुड टच एंड बैड टच जागृति कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश परिषद से जारी किए जाएंगे। गुड टच बैड टच की अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं की है शाला दर्पण पर, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, लिंक में जाकर आप पूरी जानकारी गुड टच एंड बैड टच की जो है इंचार्ज मैपिंग की ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों, यहाँ पर 9 बैग डे के दिन आपको थीम प्रभारी नियुक्त करने हैं, इधर से आपको कौन कौन सी एक्टिविटियाँ करवानी है, किस प्रकार करवानी है, कौन कौन से कार्यक्रम आपको तय करने हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।